सर, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जी कहिए। सर सर हमारे साथ रेप हुआ है। What? पानी पीजिए। अब आराम से हिम्मत रखिए, बताइए क्या क्या हुआ। सर सुनील अग्रवाल के घर पे हम नौकरानी का काम करते हैं। अच्छा, क्या आप इन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन ले आए? इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। शर्मा बेटा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाके इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए। जी सर। पांडे सर, इनकी FIR लिख लो। और ये सुनील अग्रवाल, इसे जरा थाने बुलाओ। कौन आया है? सर जी, मां से झूठ बोल रही है। आप ही सोचे, मैं भला अपनी मेड का रेप करूंगा, वो भी इस उम्र में? सर जी, I'm 62 year old। मुझे ये बताने में जरा भी शर्म नहीं कि मुझ में अब वो पावर नहीं बचा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी वाइफ से पूछ लो। सर ये एकदम सच बोल रहा है। देखिए, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, है मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। अरे अग्रवाल जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे अरे, ये क्या जबरदस्ती है? मिस्टर सुनील अग्रवाल और मानसी, आप दोनों की मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने है। मानसी की मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मानसी पहले से ही सेक्सुअली एक्टिव है। डॉक्टर्स का मानना है कि मानसी के प्राइवेट पार्ट्स में किसी भी तरह के सीमेन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। जहां तक मिस्टर सुनील अग्रवाल का सवाल है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का मानना है कि वो पेनिट्रेटिव सेक्स करने की क्षमता खो चुके हैं, यानी कि मेडिकली वो किसी का रेप नहीं कर सकते। सर मैंने तो पहले ही कहा था कि आजकल की मेड ऐसी होती है, मोटी पार्टी देखी नहीं कि पैसे अट्ठे के चक्कर में रेप तक के झूठे इल्जाम लगा देती है। क्या मतलब है आपका, मेरी बहन झूठ बोलेगी? हाँ, मेरे पति कभी किसी का रेप नहीं कर सकते, और ये इसे तो वो बेटी की तरह मानते हैं, झूठ बोल रहे हैं ये दोनों मिलके। सर एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा रेप हुआ ही नहीं है, बल्कि तुमने पैसे अटने के चक्कर में अपने मालिक मिस्टर सुनील अग्रवाल पर झूठा आरोप लगाया। सर ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है आदमी। क्या झूठ है क्या सच है अभी पता चल जाएगा। यादव सर जरा लेकर आओ उसे। ओके सर। जी हाँ, इसका नाम है मनोज, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अब तुम खुद अपने भाई को बताओ कि मनोज और तुम्हारे बीच में शारीरिक संबंध है या नहीं। बोलो क्या पूछना है इंस्पेक्टर साहब। मानसी ने सुसाइड किया, इसमें मेरा क्या दोष है? दोष है क्योंकि मानसी ने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि उसका बलात्कार हुआ था। साफ साफ बताइए कि माजरा है क्या। माजरा कुछ भी तो नहीं सर, माजरा क्या हो सकता है मतलब। सर ले आओ। सर ये बेड के नीचे दो बॉक्स मिले और देखिए इन बॉक्सेस में क्या मिला। तो माजरा ये है, इससे आपने मानसी का रेप किया था, जवाब दीजिए। सर मेरे पति ऐसा किसी के साथ कर नहीं सकते। सर आप प्लीज चुप रहिए, इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप अपने पति की तरफदारी कर रही हैं। मेरे पति ऐसा कभी किसी के साथ कर ही नहीं सकते। आप शांत रहिए। हाँ सर, कसूर मेरा ही है, मैं ही दोषी हूँ। मानसी ने मेरे कारण सुसाइड किया। आई डोंट नो रिस्पांसिबिलिटी। अरे नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जिन लोगों से हमारा व्यवहार होता है उन पर भरोसा करना लाजमी है, लेकिन भरोसा एक ऐसी चीज है जो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मानसी ने सुनील पर भरोसा किया और उसका दिया हुआ शरबत पी लिया। नतीजा ये हुआ कि वो सुनील द्वारा अननेचुरल यानी कि अप्राकृतिक तरीके से किए गए रेप का शिकार बन गई।
पुलिस को सुनील के घर पर वो दो बैग मिलने पर सुसाइड करना इस बात को साबित करता था। ये एक अजीब केस था जहां पर पीड़ित और प्रताड़ित दोनों ने ही आत्महत्या कर ली थी, जिसे पुलिस महकमे ने बेबुनियाद बता दिया। इतने हो हल्ले और हंगामे के बाद ये केस यहां बंद हो चुका था, लेकिन क्या वाकई में ये इस केस का अंत था या फिर ये एक बड़े केस का एक छोटा सा हिस्सा था? फ्रिंदा, फ्रिंदा, अरे कहां चली गई? साहब मैं तो चेक करूं। वीडियो क्यों बनाया तूने और ये मुझे क्यों भेज रही है? तो 5 लाख और अगर नहीं दिया ना तो तुम्हारी बिल्डिंग में वॉचमैन, धोबी, माली, हर एक फ्लैट वाले को ये वीडियो भेज दूंगी, समझा? अच्छा तो तू 24 घंटे तेरे पास रखती हूँ। मैं करिश्मा। करिश्मा, ओ हाँ हाँ हाँ, करिश्मा आजा आजा, आओ अंदर आओ। अरे खुशी, वो डोमेस्टिक हेल्प आ गई है करिश्मा। हाँ आई। बैठ बैठ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो। देखो काम मैंने फोन पे तुम्हें समझा दिया है, बस हम दो लोग हैं। सर काम कब से शुरू करना है वो हम सोच रहे थे आज से ही कर देते, वो क्या है ना हमारी माँ हमारे रहते दूसरों के घर में काम करती हमको अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी हमारे भाई की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके पास कोई नहीं होता तो वो परेशान हो जाता है। मुझसे क्या पूछ रहे हो, भले घर की लगती है रख लो। ठीक है बेटा तुम आज से काम शुरू कर दो। थैंक यू सर। अरे ऐसे क्या, आओ मैं तुम्हें किचन दिखा दूं, आ जाओ। क्या बात है साहब, जल्दी इंतजाम कर लिए पैसे का। लव रब है ना सब देख रहा है, तो तेरा भला नहीं होना कभी। ये पैसे मैंने अपने पोते की पढ़ाई के लिए रखे थे, समझी? बैंक पढ़ाई के लिए लोन बांट रही है, टेंशन मत लो आप, जाके पोते का ध्यान रखो, जाओ। अरे जाओ। कहाँ? अरे अरे क्या बात है? हाँ ये देखो मैं आप लोग के लिए क्या लेके आई हूँ। क्या लाई? समोसा और जलेबी। ए पैसा कहाँ से मिला रे? अरे जिनका काम करती हूँ उन्होंने दिए। बोलो समोसा जलेबी खाएगा? ये देख। हे जगली भाई, तेरा नौकरी ऐसे ही चलत रहे, जिससे हमारे मोनू का इलाज और पढ़ाई भी नहीं मजा है, घर भी चलत रहे। निकल रही हूँ मैं, आई आई आई, ओके बाय। सुनो कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। ठीक है मैं डॉली की किटी पार्टी में जा रही हूँ और मुझे आने में लेट हो जाएगा। हाँ बाय बाय। अरे आ गई तू, खाना लगा दे। रिश्मा
क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है का? चाय पिएगी, चाय बना दे। हा? हमारा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं, अब कल से नौकरी में नहीं जाएगी। उन लोगों ने डांट दिया का? देख बेटा, अब जो लोग इतना सामान पैसा सब दे रहे हैं, अगर कभी कोई चार बात बोल दे ना, दिल पे मत लगा। देख तू नौकरी छोड़ देगी तो फिर मोनू का क्या होगा? जल्दी इतना अच्छा काम नहीं मिलता है बेटा, ये हमारी बात मानना, जो भी वो लोग कहें सब अनसुना कर, फिर सब ठीक हो जाएगा। दुकान पे नहीं जाएगी तो और कैसे चलेगा रे? बाद में बात करती हूँ। बिल्कुल सही समय पे आई हो। ये है तुम्हारा नया शिकार। कुछ दिन इसका पीछा करो, देखो ये सही समय पे किल ठोक दो। नमस्ते, मैं जीरो जरूर आऊं। क्या लेंगे आप, मालिक चाय पानी? अरे नहीं कुछ। हाँ? तकलीफ मत कीजिए आप। ये आपका बेटा है? हाँ। बेटा जरा यहाँ आना। क्या मुस्तिकर साहब, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। हाँ जा जा, बाहर खेलो जाओ। अब ये लीजिए बैच, ये आप लोगों के लिए कुछ गर्मा गर्म जलेबी और नमकीन है, और हाँ ये आपके लिए सारे। हमारे लिए सारे? हाँ लीजिए। करिश्मा नजर नहीं आ रही। हाँ करिश्मा घर पे ही है, हम आप ही बुलाते हैं। करिश्मा। हाँ माँ। बेटा भाग क्या ना, दिखते नहीं पानी का है। कैसी हो करिश्मा? बेटा कल कहाँ पे नहीं आई तुम? मालिक इसका ना तबियत थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन कल से आएगी। हाँ कल से आएगी। वो तो ठीक है, करिश्मा के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सा ऑफर है। क्या है बहन जी, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे अपने बहू बेटे के पास दुबई भेज दूँ। दुबई? अरे जरा सोचिए बहन जी, यहाँ का 20 रुपया मतलब वहाँ का 1 रुपया, मतलब उसकी पगार 20 गुना बढ़ जाएगी, और हर 3 महीने में हम उसे आपके पास भेज देंगे मिलने के लिए, और आपकी और आपके बेटे की देखभाल के लिए तो हम है ही यहाँ पर। कहिए क्या ख्याल है आपका? अच्छा ये लीजिए, ये एडवांस। मालिक आप तो देवता आदमी है। ऐसा कुछ नहीं करिश्मा, ये तो किस्मत है, इतने अच्छे आदमी के काम करने को मिला। खुशी अग्रवाल जो दूसरी शादी के बाद अब खुशी अरोड़ा बन चुकी थी, उसका ये पति भी दरिंदा था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे भी कोई और रहस्य था? ऐसे में करिश्मा के शोषण का सिलसिला कब खत्म हुआ? खुशी और वैशाली को करिश्मा के साथ हो रहे अत्याचार का पता चला भी या फिर नहीं? खाना पीना छोड़ने से कोई समस्या का हल नहीं निकलता। दीदी, दीदी अगर अब तुम भी नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। इसे खोल दे बेटा। सर उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। विक्टिम की मौत 13 तारीख को दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में हुई है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन तो हमें अगले दिन 14 तारीख को सुबह 8 बजे मिली। कुछ समझ में नहीं आ रहा, भरी दोपहर में टेरेस पे मर्डर। सर ये बिलीवेबल नहीं लग रहा, मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। विक्टिम की मौत सिर पर कोई भारी चीज लगने की वजह से हुई है संदीप, इतना तो तय, ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है। सर मैंने टेरेस, कैंपस, आसपास के बिल्डिंग्स में भी चेक किया लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे हम मर्डर वेपन कह सकते। विक्टिम प्रेग्नेंट थी, तकरीबन 5 महीने। सर बॉडी देखकर तो ऐसे नहीं लग रहा था। सर
सर विक्टिम की बॉडी पे जो हेयर स्टेन मिला था उसका डीएनए विक्टिम से मैच नहीं करता है सर, ये देखिए। यादव जी एक काम कीजिए, सोसाइटी में उस दिन 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जिन जिन लोगों की भी मूवमेंट हुई है सीसीटीवी कैमरा में उन सबको आइडेंटिफाई करो, पता लगाओ क्या उनमें से कोई भी विक्टिम के साथ कनेक्टेड था। ओके सर। सर उस बिल्डिंग में जितने भी लोग, एक्सक्यूज मी सर, वेलकम जी, आइए सर। मेरा नाम आलोक, मैं आपसे एक जरूरी बात शेयर करना चाह रहा हूं। प्लीज बैठिए पहले आप। जी थैंक यू सर। वृंदा हमारी एजेंसी के साथ 7 महीने से जुड़ी हुई, 2 महीने किसी के यहाँ काम करने के बाद एक दिन रोते रोते मेरे पास। ठीक दीदी इतनी चोट कैसे लगी तुझे? मेरे मामा ने आज मेरे साथ जबरदस्ती किया मुझे भाभी बेटा। तो अपनी माँ से बात क्यों नहीं करती, वो कुछ करेगी ना? मेरे मामा मुझसे बहुत नाराज है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं उनके पास नहीं आ सकती दीदी, नहीं आ सकती दीदी, वो एक अलग कहानी है। हम दोनों पुलिस के पास चलते हैं, पुलिस को बता दे। नहीं नहीं दीदी, ये पुलिस की बात करें तो मामा मुझे घर से निकाल देगा, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रोना बंद कर और ये बता कि तू मुझसे क्या चाहती? मामा ने बोला था कि उसको पैसे ला के दूंगी ना तो वो मुझे छुएगा नहीं। दीदी कोई ऐसा जुगाड़ बता दो जिससे कम समय में ज्यादा पैसे कमा सकूं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो या तो मेरा मामा मुझे मार देगा या मैं अपनी जान ले लूंगी। फिर मैंने उसे ऐसे लोगों के यहाँ काम करने का आइडिया दिया, वो क्या है ना साहब कि 2 पैसे एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। मुझे उन सारे लोगों के नंबर चाहिए जिनके घर पे वृंदा ने काम किया था, हो सकता है उन्हीं में से कोई वृंदा के होने वाले बच्चे का बाप हो और उन्हीं में से किसी ने उसे मारा हो। क्या वृंदा प्रेग्नेंट थी? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वृंदा के पेट में 5 महीने का बच्चा था। सर सर तो ये जरूर उसके मामा का काम है। जिन जिन सीनियर सिटीजन के यहाँ पे वृंदा ने काम किया था उन सब ने बयान देने से मना कर दिया। लेकिन संदीप वृंदा प्रेग्नेंट थी और जाहिर सी बात है उसके बच्चे का बाप इन्हीं में से कोई एक होगा। सर इस बारे में भी हमने उनसे पूछा लेकिन सबका यही कहना है कि वो लोग प्रोटेक्शन यूज करते थे। मुझे वो 13 तारीख की सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक करनी। सर ये देखिए 3:30 बजे वृंदा चौहान बिल्डिंग में घुसती है। खुशी अग्रवाल सर आप इसे जानते हैं? तुमने इसे पूछताछ की थी? जी सर, इनके हस्बैंड से भी पूछताछ की थी लेकिन दोनों ने इसे पहचानने से मना कर दिया। हस्बैंड? जी सर, धीरज अरोरा। ये धीरज अरोरा। लेकिन सर आप उस खुशी को कैसे जानते हैं? उन दोनों को थाने लेके आओ। खुशी जी हम कुछ समय पहले भी मिल चुके हैं, तब आप खुशी अग्रवाल हुआ करती थी और आज खुशी अरोड़ा, कुछ याद है आपको? जी सर। आज आप सेकंड मैरिज करके मूव ऑन कर गई, अच्छी बात है। थैंक यू सर। मिस्टर धीरज आपका मानना है कि आप वृंदा चौहान को जानते ही नहीं? जी बिल्कुल। जबकि वृंदा जिस एजेंसी में काम किया करती थी उस एजेंसी के मुताबिक आपने किसी काम वाली के लिए वहां रिक्वायरमेंट दी थी और उस एजेंसी का यह कहना है कि वृंदा आपके घर में काम करने वाली थी, जैसा कि वृंदा हर मर्द को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया करती थी, शायद आपको भी वो करने वाली थी या फिर हो सकता है किया हो। कहीं ऐसा तो नहीं ये बात आपको पता चली हो और आपने वृंदा का मर्डर कर दिया हो? या क्या कह रहे सर, मैं वृंदा को जानता तक नहीं था, इनफैक्ट आज से पहले उसका नाम भी नहीं सुना था। हाँ हर एजेंसी को हमने कॉन्टेक्ट किया था मेड की रिक्वायरमेंट के लिए, अपने डिटेल्स भी छोड़े थे वहां, पर हाल फिलहाल हमें मेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। नमिता जरा धीरज जी को दिखाओ। मिस्टर धीरज कल आप अपने ऑफिस से 4 बजे घर लौट कर आए और फिर आधे घंटे बाद अपने घर से चले गए, जबकि हमने पता किया है कि आप अपने ऑफिस से रोजाना 7 बजे के बाद निकलते हैं। सर वो मैं अपने कुछ फाइल्स भूल गया था, इंपॉर्टेंट थे इसलिए पर्सनली लेने आ गया था घर। और खुशी जी आप कल अपने घर से 3:45 पे निकली और ठीक 10 मिनट बाद 3:55 पर घर लौट कर आ गई। सर
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस पैसे विड्रॉ करने गई थी वहां से। और आप स्टेटमेंट चेक कर लीजिए बैंक का, सीसीटीवी फुटेज होगा, आप वो चेक कर लीजिए। खुशी जी, ये एक अजीब सा इत्तेफाक नहीं है? एक साल पहले भी जब हम मिले थे तब भी जुर्म आपके इर्द गिर्द ही हुआ करते थे, और आज भी ठीक वही सिचुएशन है। सर, इसे मेरी बुरी किस्मत समझ लीजिए या फिर कोइंसिडेंस। ठीक है, फिलहाल आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू। संदीप, लगता है खुशी मैडम का हेयर फॉल आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और सर, इस बाल का कलर लगभग उस बाल के कलर जैसा है जो मैं क्राइम स्पॉट पे मिला था। मैं चाहता हूं कि तुम इस बाल का डीएनए पहले मिले हुए बाल के डीएनए से मैच करो। मेरी गट फीलिंग ये कहती है ये दोनों बाल एक ही इंसान के, और वो इंसान कोई और नहीं, खुशी अग्रवाल, खुशी अरोड़ा ही है। वो सीनियर सिटीजन जिनको वृंदा ब्लैकमेल करती थी, या फिर वृंदा का मामा जिसने उसका शारीरिक शोषण किया था, या फिर धीरज अरोड़ा जो वृंदा का अगला टारगेट था। अब इस केस में कुछ ऐसी कड़ियां खुलने वाली थी जो इन सारे रहस्यों पर से एक के बाद एक पर्दा उठाने वाली थी। सर, वृंदा के मामा अतुल चौहान का डीएनए वृंदा के पेट की फीटस के डीएनए के साथ मैच करता है। रिपोर्ट। यानी वृंदा के मामा के पास वृंदा को मारने का मोटिव था, लेकिन बिल्डिंग के उस सीसीटीवी फुटेज में ये मामा कहीं दिखाई नहीं दिया। वृंदा की बॉडी के पास जो हेयर स्टैंड मिला था, उसके डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? वो नम्रता लेके आ रही है। सर, वृंदा की बॉडी के पास जो हेयर स्टैंड मिला, उसका डीएनए खुशी के डीएनए से 100% मैच करता है। ये देखिए, ये खुशी शक्ल से जितनी भोली दिखती है उतनी भोली है नहीं। एक काम करो, ये खुशी के घर का सर्च वारंट निकालो। सर, मैं वही चेक कर रहा हूँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ ना आपको। ओके। खुशी, मैं देखती हूँ। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर, क्या हो रहा है? सर, आप हमें अपना काम करने दीजिए। सर, ये देखिए, ये इस पिक में लड़की कौन? यही रहती है? सर, हमने इसे अडॉप्ट किया है, पहले यही रहती थी, अब मेरे बेटे के साथ दुबई में रह रही। नाम क्या है इस लड़की का? करिश्मा। इनके पति ने गिल्ट में आके आत्महत्या कर ली, केस क्लोज हो गया, लेकिन उस केस का एक मुजरिम आज भी खुले आम घूम रहा है। देखिए, आप दोनों के खिलाफ हमारे पास इतने सबूत तो हैं ही कि हम कोर्ट में आसानी से ये साबित कर पाएंगे कि वृंदा का मर्डर आप दोनों ने ही मिलके किया है। सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने उसे नहीं मारा। सर, ये आपके बाल वृंदा की बॉडी पर कैसे मिले, और उन बालों का डीएनए आपके डीएनए से कैसे मैच करता है? और यही नहीं, वृंदा के लोकेशन रिकॉर्ड वारदात के कुछ रोज पहले तक लगातार धीरज के लोकेशन रिकॉर्ड से कैसे मैच करते हैं? सर, मुझे नहीं पता। आप तो चुप ही रहिए मिस्टर धीरज, लगातार आप झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। यादव जी, जरा फुटेज दिखाइए इन्हें। इस फुटेज में जो लड़की दिखाई दे रही है, करिश्मा, आपने ये कहा कि आपकी अडॉप्टेड बेटी है और वो दुबई में रहती है। आज की तारीख में हमारे देश में समलैंगिक रिश्ते में होना कोई जुर्म नहीं है। अब तो कानून भी पास हो चुका है जो एलजीबीटी कम्युनिटी को मान्यता देता है। लेकिन अगर कोई भी रिश्ता हवस की आड़ में जोर जबरदस्ती से बनाया जाए तो वो जुर्म है। खुशी की दरिंदगी का शिकार ना सिर्फ मानसी, वृंदा और करिश्मा हुई, बल्कि खुशी की हिरासत के बाद और भी कई लड़कियां सामने आईं। और इस सीरियल रेप और मोलेस्टेशन के लिए खुशी के साथ साथ उसके पार्टनर्स को भी सजा दी गई। ये केस दर्शाता है कि समाज के दरिंदों की कोई शक्ल नहीं होती, कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन ऐसे कई केस रोके जा सकते हैं अगर सही समय पर पुलिस को इसकी सूचना दे दी जाए। हमें बस चौकन्ना और सतर्क रहने की जरूरत है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें,
क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।